नमस्कार, कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग में। 14th ब्लॉग है शायद। आज इतने से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था मैं। और अब ऐसे ही चलेगा क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग नहीं हो पा रहा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है। तो फिर ऐसे ही ब्लॉग चलेगा, जैसे एक दो दिन छोड़ के ब्लॉग आएगा। तो सोच रहे हैं कि आज हम तीनों भाई मिलके पाव भाजी बनाते हैं और पाव भाजी खाते हैं फिर और सबको खिलाते हैं। तो हम पाव भाजी बनाएंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं अभी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक वीडियो में मैंने एक महीने पहले ही कटवाए थे बाल। तो काट लेगा वो रहने दे ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने वीडियो में कटवाए थे बाल, शायद पहली या दूसरी वीडियो में कटवाए थे। तो दोबारा से बड़े हो गए हैं और बीड भी बड़ी हो गई है। तो सोच रहा हूँ पहले कटवा के आ जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मेरा लुक, फिर उसके बाद हम पाव भाजी बनाएंगे। ठीक है, ये है मेरा अभी का लुक और ये है मेरा नया लुक। तो अभी मैंने बाल कटवा लिए हैं और बीड भी कटवा ली है और अभी हम जा रहे हैं मिस्टू को छोड़ने। मिस्टू के घर पे आकर मैं नहाऊंगा, फिर नहाने के बाद ही मिलते हैं। तो भाई पाव भाजी बन के हो गई है रेडी। और पाव भाजी बनाने में तीन लोगों का हाथ है, हम तीन लोगों का, मेरा, मेरे भाई का और मेरे दूसरे भाई का। इसने भाजी बनाई है, दांत क्या फाड़ रहा फिर? दांत क्या फाड़ रहा? मैंने पाव सेके हैं, ठीक है। और तूने क्या करा भाई? मैंने सब्जी काटी है। इतना छोटा काम? सब्जी काटी, उसके फिर कुकर में रखे, मैंने ऐसे उबालने भी रखा। कुकर में रख? कुकर बोला मैंने। कुकर? हाँ, इधर देख के बोल, इधर देख के बोल। तो कुकर में रखे, उबालने रखा, फिर मैंने ऐसे। तो हम मजे से खाएंगे, अभी दिखा देता हूँ भाजी वाजी कैसी लग रही देखने में। अगर इसमें मेरा हाथ नहीं लगता तो ऐसी भाजी नहीं बन पाती। इनसे तो बिल्कुल नहीं बन पाती। मैं घर चला गया था इसलिए बन गई। ये टेस्ट तो ये लेके नहीं आ पाते, जो टेस्ट मैं लेके आया ये भाजी में। चल चल, क्या देखो ये पाव, ये सब पाव मैं सेकंड को कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और तेरा तो कोई सबूत ही नहीं है, तूने क्या करा? मैं घर चला गया ना। चलो अब मिलते हैं थोड़ा खाने के बाद। तो भाई पाव भाजी खाने के बाद अब ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोपहर को तो बहुत गर्मी थी, अभी शाम हो गई है देखो। और भाई दोपहर को ब्लॉग करने का मन नहीं करता, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, अभी भी पसीना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी ऊपर आया हूँ, थोड़ा सोचा था यहाँ पर हवा चल रही होगी, पर यहाँ पर भी हवा नहीं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज तो। और नीचे मैं कूलर चला के सो रहा था बल्कि लेटा ही हुआ था, मूवी देख रहा था, पर कूलर में भी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी है। और एसी की तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, वोल्टेज नहीं आती दोपहर को और रात को, तो फिर एसी चलता है बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है, ऐसे ड्रामे करता रहता है। तो चलो फिर अभी थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलते हैं नीचे। उस पागल को देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, देख रहे हो? ये आजकल से नया नया शौक चढ़ा है फिश मारने का। अरे इधर कहाँ भाग गया? क्या इधर आ, इधर जा जा। और अभी भी तो कौन से ज्यादा ही मार रहा है, अभी भी तो पांच ही मार रहा है बस। हाँ तो फिर आपको मुझे वो देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। हाँ दे 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 मार। क्या मैं बता रहा हूँ, जब जिम में जाते हो तो 100 किलो का डंबल उठाते हो, करते हो, आज आग लग जाती है, उसके बाद 200 का, फिर 300 का उठाते हो ना, ऐसी में 300 किलो का डंबल। तो मुझे क्या पता कितने के होते हैं? तुझे खुद को सुनाई दे रहा है तो क्या बोल रहा है? तो मुझे क्या पता कितने 100 किलो का डंबल कौन उठाता जिम में जाके पहली बार? मुझे क्या पता कितने के उठाते, जितने के उठाते, तेरे अंदाजे से कितने के उठाते होंगे? पता नहीं, मतलब जितने, नहीं पता नहीं क्या, तू बोल ना। अरे मुझे नहीं पता। तो तू बोल, ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है जो तुझे पता ही नहीं? तो मैं एक्सप्लेनेशन, मतलब मुझे डंबल का नहीं पता कि डंबल कितने किलो का होता है, कितने का होता है, ठीक है, ये नहीं पता मुझे, बस मुझे डंबल तो अलग अलग किलो के होते हैं। सबसे कम कितने का होता होगा तू बता ना? पता नहीं, तेरे अंदाजे से कितने का होता होगा? तू जिम में जाएगा तो कितना वजन उठा लेगा? डिपेंड करता है वो। हाँ तो अरे तू बता ना कितना उठा लेगा, जल्दी बता, सब लोग वेट कर रहे हैं। 200-300 नहीं, नहीं अभी तुमने क्या बोला, 200-300 किलो उठा लेगा तू? हाँ जितने का होगा, मतलब तुझे को खुद को सुनाई दे रहा है तो क्या बोल रहा है? अरे मुझे नहीं पता, बात खत्म, ये टॉपिक खत्म करो, चलो नीचे बैठ, पहले नीचे बैठ, इधर इधर मैं नहीं बैठ रहा, इधर 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 पहले इधर 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 आना, इधर हाँ नीचे बैठ, इधर लाइट नहीं पड़ रही तेरे को। हाँ तू डंबल 200-300 किलो का उठा लेगा, तेरा क्या मतलब ये जिम में जब जाएगा, ठीक है, और फिर वो रॉड जो होती है जो, वो कितने का उठा लेगा? पता नहीं। अच्छा तो घर पे आटे का कट्टा उठा लेता?
तो आटे कितने होते हैं? 10 किलो का। दो आटे इकट्ठे उठा लेगा, तीन उठा लेगा एक साथ? हाँ तीन उठा लूंगा, चार उठा लूंगा ज्यादा। चार उठा लेगा? हाँ। तो चार कितने के हो गए? 40 किलो। पांच नहीं उठा पाएगा तू? नहीं। और चार भी नहीं उठा पाएगा बेटा तू? उठा दूंगा मैं चार। ऐसे हाथ में ऊपर उठा लेगा ऐसे करके? ऐसे दोनों हाथ से उठाऊंगा एक एक। हाँ दोनों हाथ से चार उठा लेगा इकट्ठे एक साथ? हाँ। ऐसे छाती के सामने? हाँ। मेरे सबसे चार भी उठा पाएगा? चल चार ही उठा लेगा, चल पांच नहीं उठा पाएगा ना? नहीं। तो चार इकट्ठे कितने के हो गए, कितने किलो के हो गए? 40। और पांच कितने के हो गए? 50। और तू क्या बोल रहा है कि जिम में जाके 100-200 किलो उठा लेगा तू, बल्कि 300? तो वो जब करूंगा ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मेरी अच्छी डाइट हो जाएगी, जब मैं मतलब आराम से मतलब फिट फिट हो जाऊंगा। अबे मैंने अभी की बात करी थी, अभी बोल रहा था, तो मैंने बोला कितने किलो उठा लेगा जिम में जाके तू, तो बोल रहा 300 किलो। अरे यार समझे नहीं, समझ गया भाई, मैं समझ गया, तू खुद नहीं समझा, तू खुद नहीं समझा कि तू तू क्या बोला वो तू खुद नहीं समझा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ जा जा, जा लाएगी तू, जा निकल, जा रहा हूँ। चलो ऑल द बेस्ट, 200 किलो वजन उठाने के लिए चलते हैं। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मार क्या रहा है? The next day. तो भाई मैंने ऑर्डर किया अभी एक बर्गर और एक हनी पोटैटो, तो अभी ये खाते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि खाते टाइम मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी पीसी में या मोबाइल में लगूँ, मैं खाता बिना मोबाइल के पीछे क्यों। हाँ कभी कभार मूवी देखते देखते खा लेता हूँ, पर अभी हम खाते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है देखो भी ये है हनी पोटैटो और इधर बर्गर रखा है, ये भी मैंने खोले नहीं है, अभी भी खा लूँगा, थोड़ा सा छोड़ दूँगा मम्मी के लिए, मम्मी खा लेंगी या फिर भाई आगे खा लेगा। देखो डेस्क कितनी फैली हुई मेरी, बहुत ज़्यादा ही फैली हुई भाई, सफाई करनी पड़ेगी। गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो फिर खा लेता हूँ थोड़ा सा और फिर बर्गर खाऊँगा, फिर मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। अभी डिस्कॉर्ड भी ओपन है, डिस्कॉर्ड पे ऋषि बैठा हुआ मेरे साथ, दिखाऊंगा बाद में अभी आपको कभी किसी वीडियो में कि ऋषि कौन है, या फिर कभी दिल्ली जाऊंगा तो दिखा दूंगा। ऋषि दिल्ली में रहता है, वो मेरा फ्रेंड मेरे भाई के थ्रू बना था, हेमू मेरा भाई है उसके थ्रू बना था बहुत पहले, 4 साल पहले, तो तब से ऋषि मेरा फ्रेंड है और हम गेम्स खेलते हैं साथ में। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी हो चुकी शाम के 5 बजे और आज है कुछ मौसम अच्छा जो गर्मी से राहत दिला सकता है, वरना रोज़ तो भाई ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी होती है दोपहर को तो, और सुबह से, बल्कि दोपहर छोड़ो सुबह 9 बजे से 8 बजे से गर्मी शुरू हो जाती है और रात के 8 बजे तक ख़त्म होती है। रात को 8 बजे के बाद भी गर्मी होती है पर कम होती है दोपहर के मुकाबले। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, देखो थोड़ा बारिश टाइप का मौसम है, और मैंने गूगल पर चेक किया था तो गूगल पर भी 2 दिन बाद या कल शाम से बारिश बता रहा है 2-3 दिन तक। बहुत तेज हो रहा है, तो बारिश हो जाए तो अच्छा ही होगा, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा मौसम फिर थोड़ा। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है ठंडा मौसम। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को बारिश पसंद है या नहीं है। चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, आज रात को ही ब्लॉग एंड कर देंगे, 2 दिन का एक साथ डल जाएगा क्योंकि ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है। फिर देखते हैं कल, मेरा प्लान है कल या परसों कहीं जाने का, उसको ही ब्लॉग करेंगे फिर वो भी डाल दूंगा ब्लॉग, दिखाते हैं आपको क्या कहाँ जाऊँगा कल या परसों पक्का नहीं है अभी। और ये खा रहा है, क्या खा रहा है? आलू की सब्जी और चावल। और ये मिष्टू मेरे लिए अभी नए चिली पोटैटो लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि उस वाले से ज़्यादा सौदे हैं ये वाले। और ये है प्रसाद मिस्त्री घर में आज सत्यनारायण की कथा थी, हाँ उसका प्रसाद है। और ये मेरी फेवरेट नमकीन है। देखो भैया अभी आपको एक आइसक्रीम दिखाता हूँ, नई आइसक्रीम बिट्टू ने इन्वेंट करी हो, ये कर रहा तू देखो ये है नई आइसक्रीम, ये मिस्त्री ने इन्वेंट करी है, ठीक है निकालो ऊपर करो पास में से क्लोज अप। बताओ कैसे बनाई आपने आइसक्रीम? बस कुछ नहीं है, एक मजा लियो बीच को एकदम पूरे मैक्स पे सेट कर दो, हल्का सा मजा के ऊपर
काट के उसमें डाल दो और ऐसे चार से छह घंटे के लिए तो फिर ऐसे मिलने खा के दिखा दो। तो खा के दिखा से बर्फ है आप कहेगा मस्त है। देखो एक कीवी भी आ गई आइसक्रीम खाने के लिए मादा वाली। देखो भाई कीवी पागल हो रही है, कीवी कीवी को देखो भाई, कीवी हो चुकी है पागल इस आइसक्रीम के पीछे जो मिष्ठू ने बनाई है। ओए रुक जा बैठो सिट सिट। देखो बैठ भी गई, कितनी आज्ञाकारी बन रही है। देखो ये मिष्ठू कीवी की रोटी तोड़ रहा है फिर भी इसका ध्यान आइसक्रीम पे ही है। देखो कीवी ले खाएगी सिट। अब मेरा प्लान है कि इसको थोड़ी सी आइसक्रीम काट के सबको से काट देता हूँ और ये अब इसके बर्तन में डालते हैं। आ जा अब आइसक्रीम बड़ी। तो भाई सारा काम फिनिश हो चुका है, मैं ऊपर आ चुका हूँ अपने रूम में। इधर थोड़ा सा मैच है आज एक गेम का वो चल रहा है। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं शायद रात के। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना चैनल को। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।